हेलो वेलकम गाइज, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्मोक बम बनाने वाले हैं गाइज। देख सकते हो कितना अच्छा से ये स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि बनाना काफ़ी आसान है। चलिए देखते हैं। तो गाइज, स्मोक बम बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका ऊपर वाला कवर बना लेंगे। तो ये मैंने कॉपी का कवर ले लिया है गाइज। ये देख सकते हो ये मोटा गत्ता है, तो इसे हम राउंड शेप में सिलेंडर बना लेंगे, ताकि हम इसमें जो बारूद है वो भर सकें, इसके अंदर कलर भर सकें। तो इस तरीके से आपको सिलेंडर बना लेना है, और ऊपर से आप टेप चिपका लो, और एक साइड को आपको सील करना होगा गाइस। तो यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा काट लिया है राउंड सा, और इसे हम एक साइड लगा देंगे, तो एक साइड का सील हो जाएगा और एक साइड हमारा ओपन रहेगा, तो हम उसमें बारूद भरेंगे। इस तरीके से आप इसे पैक कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेप भी यूज़ कर सकते हो गाइस। चलिए अब हम इसका मसाला बना लेते हैं, बारूद बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पोटेशियम नाइट्रेट लिया है गाइस। अब देख सकते हो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर केमिकल के शॉप में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच पोटेशियम नाइट्रेट का डालने वाला हूँ। तो ये 4 चम्मच पोटेशियम नाइट्रेट का हो चुका है। अब हम लेंगे पाउडर शुगर, तो पिसा हुआ चीनी है गाइस। तो इसे आप 2.5 से 3 चम्मच डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2.5 चम्मच डालने वाला हूँ, मैक्सिमम आप 3 चम्मच डाल सकते हो, जो ये अच्छा काम करता है। तो दोनों को अच्छे से मिक्स करना है आपको, और अब हम इसमें कलर डालेंगे। तो ये मैंने पिंक कलर चुना है गाइस। अब हम इसमें पिंक कलर को डाल देंगे। तो ये कलर थोड़ा दूसरा है, जो हम घर में यूज़ करते हैं होली वगैरह में, वो कलर नहीं है। ये वेपोराइज होने वाला कलर है गाइस। ये मतलब अगर इसको हीट दिया जाए तो ये वेपोराइज होकर हवा में उड़ जाता है। तो इस तरीके से ये कलर आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ये कलर आपको कहीं कहीं पे मिलेगा गाइज, हर जगह ये कलर अवेलेबल नहीं होता। तो गाइज, सबसे इसमें ट्रिकी चीज़ है ये कलर को ढूंढना। अगर आपको ये कलर मिल जाता है तो आप स्मोक बम बना सकते हो, नहीं तो यार ये मैंने यहाँ पे काफ़ी कलर के साथ ट्राई किया गाइज, और वो फेल हो जाते हैं, और लास्ट में मुझे ये कलर मिला। तो ये देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये तीनों चीज़ मिक्स हो चुका है और ये परफेक्टली बन चुका है गाइस। अब हम जो सिलेंडर बनाए थे, यहाँ पे देख सकते हो इसका कवर जो मैंने बनाया था स्मोक बम का, इसके अंदर हम इसके बारूद को फिल कर देते हैं। चलिए हम फटाफट फिल कर देता हूँ इसके बारूद को। ये देखिए बारूद इसका फेल हो चुका है गाइज। और आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपके इधर ये वाला कलर मिलता है कि नहीं। चलिए अब हम ऊपर का मैकेनिज्म बना लेते हैं, जिससे हम ये खींचेंगे तो ये हमारा स्मोक बम काम करेगा। सबसे पहले आपको एक राउंड सा कार्डबोर्ड कट कर लेना है, और इसे बीच में ये होल कर लिया मैंने। और ये देख सकते हो गाइज, ये माचिस का मैंने लिया है साइड वाला, जो रगड़ने वाला रहता है, जिससे तीलियां जल जाती है, इसे कट कर लिया है। और ये मैं बॉटल का एक रिंग लगा रहा हूँ, तो बॉटल के कैप के पास ये रिंग टाइप का होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे जो स्टील वाला रहता है राउंड वायर वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, जिससे आपको ऐसे उंगली फंसा कर खींचने में आसानी हो। और ये यहाँ पे मैं माचिस का तीलियाँ यूज़ करूँगा, तो टोटल हम 6 तीलियाँ यूज़ करेंगे गाइस। ये देख सकते हो एक साइड 3 तीलियाँ लगेगी, और फिर दूसरी साइड 3 तीलियाँ लगेंगी, और इसे अच्छे से टाइट करके बांध देना है। आप यहाँ पे बांधने के लिए रबर बैंड का यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरीके से धागे का यूज़ कर सकते हो गाइस। अच्छे से आपको टाइटली बांध देना है, और जब आप इसे ज़ोर से खींचोगे तो ये जल जाएगा, और अच्छे से काम करता है ये। इसे सिंपली आपको इसमें फिट कर देना है, ये देखिए यहाँ पे फिट हो चुका है। अब हम इसे फिक्स कर देंगे, तो इसे चिपका देंगे। तो मैं यहाँ पे टेप का यूज़ कर लेता हूँ, आप चाहे तो फेविक्विक वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो इसे चिपकाने के लिए। तो गाइज, इसे चिपकाते ही ये हमारा स्मोक बम बनके, स्मोक ग्रेनेड बनके तैयार हो चुका है, और ये कलर स्मोक है गाइज, काफ़ी मज़ा आएगा जब हम इसे जलाएंगे तो। और इसके ऊपर मैं रंगीन पेपर लगा दे रहा हूँ, ताकि ये अच्छा दिखे। तो फटाफट हम इसे फेविकोल की मदद से चिपका देंगे। तो गाइज, ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। साइड साइड से मैंने रेड टेप भी लगा दिया है, और छत पे हम इसे जलाने वाले हैं। तो ये देखिए गाइज, खींचते के साथ ही ये जल उठा है।
थोड़ा देर में स्मोक भी निकलने लगेगा। हो तो देखिए गाइस कितना मस्त तरीके से इसमें स्मोक निकलता है। तो मैंने पिंक कलर का बनाया था, तो पिंक पिंक स्मोक निकल रहा है। अगर आपके पास कोई दूसरा कलर हो तो वो भी डाल सकते हो, जो कलर आप इसमें डालोगे वही कलर का इसमें स्मोक प्रोड्यूस होगा और निकलेगा। एक और मैंने बनाया है गाइस, इसमें मैंने बत्ती लगाया है और ये पीला कलर का है। चलिए इसे हम जला कर देखते हैं, और ये देखिए इसमें भी स्मोक निकलने लगा जो कि काफ़ी मस्त दिख रहा है गाइस देखने में, आप देख सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और ऑसम वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू सून।